और पैट टीचरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। किस तरह की व्यवस्था रहेगी सर, शिक्षा विभाग में कैसे जो है इन लोगों को अब नियमित किया जाएगा, क्या व्यवस्था रहेगी? अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आया है, नियमित करने की प्रक्रिया तो उसके बाद की बात है। पीटीए, पैट और पैरा की जो है वो चैलेंज की हुई थी अपॉइंटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आदेश पर जो है वो पूरी शिद्दत के साथ जो है वो केस को लड़ा। वहाँ पर जो है वो बहुत सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया जी हिमाचल प्रदेश सरकार की पैरवी कर रहे थे और केस जो है वो सरकार के पक्ष में, इन अध्यापकों के पक्ष में हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष ही इनको रेगुलर पे स्केल दे दिए थे। तो इसलिए जो रेगुलर करने की प्रक्रिया होगी वो जजमेंट कंप्लीट जो आएगी उसको देखने के बाद जो है वो प्रारंभ होगी। अभी तो सिर्फ वन लाइन जजमेंट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से आई है कि उसमें जो अपील्स फाइल कर रखी थी जो कुछ लोगों ने वो डिसमिस हुई है, जिसका अर्थ है कि वो उनके पक्ष में केस हुआ है, लेकिन उसके क्या डिटेल्स हैं वो अभी डिटेल जजमेंट आएगी, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। सर लगभग कितना ये अध्यापक होंगे और किस तरह से, अब जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई भी अब जो काफी, काफी बड़ी संख्या में अध्यापक हैं, पीटीए द्वारा लगाए गए थे एक समय में, कुछ पैट लगे थे, कुछ पैरा टीचर लगे थे, अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारें जो हैं वो इस प्रकार के टीचर्स जो है लगाती रही हैं। काफी सालें हो गई थी इनको, 10 10 15 15 साल जो है वो काम करते हुए हो गए थे। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो माननीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में 2017 में यहाँ पर गठित हुई, उन्होंने सहानुभूति पूर्वक जो है वो इस सारी जो है व्यवस्था के प्रति जो है वो अपना रवैया रखा। इसीलिए बजट में इनके जो वेतन थे जो बहुत सालों से जो है वो इनको बहुत कम दिए जा रहे थे, वो भी अन्य अध्यापकों के बराबर जो है रनिंग स्केल में दे दिए, और उसके साथ साथ जो है वो इनकी रेगुलराइजेशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित था, असल में ये रेगुलराइजेशन के लिए नहीं था, ये तो इनकी अपॉइंटमेंट ही चैलेंज की हुई थी कि ये इलीगल थी, तो उस पर भी बहुत सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया, पूरा रिकॉर्ड दिया, और सरकार ने जो है वो केस में पूरी शिद्दत के साथ जो है वो अपना पक्ष रखा, इनके हक में पक्ष रखा, जिसका नतीजा हुआ है कि इनके खिलाफ जो अपील्स हुई थी वो डिसमिस हो गई हैं। लगभग 13 14 हजार ऐसे अध्यापक जो है विभिन्न कैटेगरीज के होंगे जिनको इससे राहत मिलेगी। हम समझते हैं कि ये टीचर्स अपने टैलेंट को जरा बढ़ाएं और हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अपनी पूरी ताकत लगा करके जो है वो भविष्य में हिमाचल प्रदेश के छात्र छात्राओं को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीचर्स बहुत सारे ऐसे स्थानों पर जो है वो शिक्षा देते आ रहे हैं जो बड़े हार्ड एरियाज हैं, आइंदा जो है वो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग को भी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि 13 14 हजार टीचर्स अगर कम हो जाते तो उससे जो है वो प्रदेश में नए युवाओं को तो जगह मिलती, लेकिन बच्चों का जो है वो समय बर्बाद जरूर हो सकता था। लेकिन ये सभी बच्चे जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं, इनको अध्यापन का कार्य मिला है, बहुत अच्छा कार्य है, ये दैवीय कार्य है, तो इसके जो है वो काम करें और ठीक प्रकार से जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को बढ़ाने में सहयोग दें। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है पूरा अपना समर्थन, सहयोग और वकीलों को ठीक प्रकार से जो है वो एंगेज करने के लिए जो
आदेश दिए और समर्थन दिया है उसी के कारण जो है परिणाम स्वरूप जो है ये फैसला पॉजिटिवली आया है। मैं सभी अध्यापकों से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपनी जो है वो टैलेंट के क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है वो बच्चों की पढ़ाई में योगदान करें और उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।